नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। वक्त 5 अप्रैल 2012, जगह सियाचिन का 11 सेक्टर। जब आसमान में सूरज धूप बिखेर रहा था और सियाचिन की बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी, तभी बर्फ का एक ऐसा विशाल तूफान पैदा हुआ कि चारों तरफ बर्फ का गुब्बार फैल गया। इस बर्फीले तूफान में 140 पाकिस्तानी सैनिक दफन हो गए। इस घटना के लिए खुरापाती पाकिस्तान ने भारत को दोषी ठहराया था। इसी बीच जिस सीक्रेट वेपन का नाम दुनिया में सामने आया, उसका नाम था काली, यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत ने अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करके बर्फ का तूफान पैदा किया है, जिसकी वजह से उसके सैनिकों की जान गई है। बताया जाता है कि इसे भारत ने व्हाइट हाउस का नाम दिया था। अब 8 साल बाद काली का नेत्र फिर से खुलने जा रहा है। खबर है कि भारत ने चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। जंग के मैदान में अचूक समझे जाने वाला यह दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार है, जो पनडुब्बी से लेकर मिसाइल युद्ध पोत और फाइटर प्लेन को बिना किसी गोला बारूद के नेस्तनाबूद कर देता है। इससे पहले कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती धड़कनों का विश्लेषण करें, पहले ये जान लेते हैं कि काली क्यों इतना खतरनाक वेपन है, जिससे पाकिस्तान थर्राता है और चाइना की टांगे कांपने लगती है। दरअसल काली को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बर्क ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बनाया था, ताकि ये अपने सैटेलाइट को सुरक्षा प्रदान कर सके, उन पर पड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक वेव से सुरक्षा दे सके। अब तक काली के कई वेरियंट बन चुके हैं। काली 1040 GB की एनर्जी उत्पन्न करता है, यानी आधे से ज्यादा पाकिस्तान को इससे कम बिजली की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यह बात आसानी से समझ सकते हैं कि यह वेपन कितना खतरनाक है। यह वेपन शत्रु के फाइटर प्लेन से लेकर पनडुब्बी युद्धपोत तक को लेजर बीम से एक झटके में तबाह कर सकता है। इस लेजर बीम में सैकड़ों नैनो सेकंड के लिए यह बिजली उत्पन्न होती है। इससे शत्रु के हथियारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को तबाह कर दिया जाता है। भारत ने 1987 में काली 80 फिर 100 का निर्माण किया था। अब कहा जा रहा है कि भारत ने काली 5000 और काली 10000 भी बना लिया है। बताया जाता है कि यह अंतरिक्ष में घूमते दुश्मन के सैटेलाइट को भी सेकंडों में भस्म कर सकता है, यानी यह भारत का वो सबसे खुफिया और शक्तिशाली हथियार है, जो एक ब्रह्मास्त्र के रूप में भारत को अजय बनाता है। अब यही हथियार LAC पर भेजा जा रहा है, जो चीन के फाइटर प्लेन और उसके टैंक तोप को अपना ग्रास बनाने वाला है। जिन हथियारों को चीन भारत से मुकाबले के लिए लेकर आया है, अब वे काली की भेंट चढ़ने जा रहे हैं। भारत द्वारा काली को मैदान में लाने की भनक केवल चीन को ही नहीं, पाकिस्तान को भी लग चुकी है। काली के सामने दुनिया के सभी हथियार बेअसर है। खास बात यह है कि भारत ने इसके आकार को छोटा करके फाइटर प्लेन और विमानवाहक पोत पर तैनाती के काबिल बना दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना कोई मिसाइल चलाए ही चीन को बर्बाद कर डालेंगे। चीन के पास काली की कोई भी काट नहीं है, इसलिए उसके प्रकोप से बचना चीन के लिए बिल्कुल असंभव है। भारत ने अपने सीक्रेट वेपन को लेकर बेहद ही गोपनीयता बरती है। बताया जाता है कि गलवान घाटी में काली भारी तबाही मचा सकता है। चीन की किसी भी ताकत का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब एक्शन के लिए हरी झंडी मिलने का इंतजार है, यानी 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की पटकथा लिखी जा चुकी है। खुद वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया ने भी ऐलान कर दिया है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि चीन सुपर पावर बनने का जो ख्वाब पाले बैठा था, उसे ध्वस्त करने का खाका तैयार हो चुका है। काली का नेत्र खुलेगा तो फिर चीन ही नहीं, पाकिस्तान भी जलेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।